आप कितनी बड़ी संख्या में और इसमें मैंने एक तो आते हैं खुला विश्वविद्यालय में कि बाहर से भी आता है यहाँ एडमिशन लेगा, लेकिन यहाँ इसके साथ साथ हम इन लोगों को सलाह दिए हैं कि इसमें लोग यहाँ भी आकर के पढ़ना चाहे तो उसके लिए भी एक बिल्कुल दोनों का कर दीजिए, और जितना जगह है लोगों के टीचर्स के रहने के लिए, जो एम्प्लॉइज हैं उनके रहने के लिए, और फिर जो भी स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए, सब तरह का कितना बड़ा आप देख रहे हैं सब कुछ बनवा दिया गया है, तो बहुत सुंदर होगा। और आप ध्यान दीजिए कि कितना ज़्यादा इतना बढ़िया ओपन यूनिवर्सिटी कहीं आपको मिलेगा इस देश में, एक अद्भुत चीज़ है ये। तो इसलिए हम तो चाह ही रहे थे कि जल्दी करें, तो हम 19 में आके शिलान्यास भी किए, आप बन के तैयार होना था तभी हो गया था, आज हमने कह दिया है कि अब एक दो दिन में सब शिफ्ट कर जाइए और यहीं से सारा काम करवाइए। और भी कहीं पढ़ सकता है ना, तो और भी लोग करेंगे इसका एक्सपेंशन और करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा ना सर, कितना बढ़िया रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा केंद्र सरकार ने दिया फिर उसको एक तरह से वापस ले लिया, क्या मानते हैं? देखिए वो बात हम लोग तो जो केंद्र का अधिकार है वो क्या है, वो तो उसका काम ही है, उनका तो करना उनका काम है ना। नहीं तो राज्य में हम लोग कह रहे थे जाति आधारित गणना की बात हम लोगों ने कहा, जनगणना तो वो करते हैं, तो हम लोगों ने तो डिमांड किया था, सब पार्टी ने मिल करके कहा था, वहाँ भी मिले, वो लोग एग्री नहीं कि अपना करिए, तो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और आप जान लीजिए जितनी पार्टियाँ हैं यहाँ सबको एकजुट होकर के किए हैं हम लोग, कर ही रहे हैं हम लोग, करीब करीब काम पूरा हो गया है, और वो अब इसको एक एक चीज़ के बारे में उसको प्रकाशित करेंगे, तो चीज़ बहुत अच्छा है। अब कोई वहाँ जाता है तो बोलिए ना इसमें क्या, हम लोग खाली कर रहे हैं कि हर जाति कोई भी हो, पहले क्या होता था सर केंद्रीय समय पर करावे, ये तो केंद्र वाले पहले भी करा सकते हैं। कुछ संभावना है क्या सर, कुछ संभावना आपको लग रही है? हम तो शुरू से ना बोल रहे हैं, आपको बोलिए, हम तो आपको 7-8 महीना पहले से ना कह रहे हैं कि लोग पहले भी करा सकते हैं, इसलिए सबको एकजुट होना चाहिए, तो उसी में हम लगे हुए हैं। इसलिए हमको व्यक्तिगत कोई मेरी इच्छा नहीं है, मैंने ऐसा नहीं कि हमको ये चाहिए, सब बात काम चक कर, हमारा तो है कि सबको एकजुट करें, हम कल भी बोल दिए थे। सर ममता जी ने कहा कि सारे हेलीकॉप्टर बुक कर लिए गए हैं, आपने पहले घोषणा की थी चुनाव समय से पूर्व हो सकता है, लगता है कि केंद्र सरकार अपनी रणनीति बना रही है। अब छोड़िए ना, जो कर रहा है तो अपना करेगा, चुनाव हम लोग प्रचार प्रसार सर्वे करेंगे, केंद्रीय स्तर पर सर्वे होता है, आज भी देखिए तो उसमें और कुछ लिखा हुआ, अरे केंद्र स्तर पर जो होता है पूरे राज्य का होता है, जनगणना उसको कहते हैं, और हम लोग जनगणना नहीं कर सकते, हम लोग तो गणना कर रहे हैं ना, गिनती करवाते हैं ना जी, तो अधिकार है ना किसी को, जनगणना हम लोग थोड़ी कर रहे हैं, तो वो तो केंद्र क्या करता है, खाली एससी एसटी और जो माइनॉरिटी हैं उनकी जातियों के बारे में उनके यहाँ अब तक प्रावधान, और हम लोग बराबर कह रहे थे कि अन्य लोगों का भी कर लीजिए, एससी एसटी सबका करवा दीजिए, मैंने किए तो वो तो कोई किए नहीं, तो उन लोग को तो जो करना था तो बोलिए ना, हो जाना चाहिए था ना 2020 में, तो कहाँ हुआ, ये पहला बार हुआ जब हो रहा है, अंग्रेजों के टाइम में भी शुरू हुआ और बाद में जब सरकार यहाँ आई तो तब से चल रहा था, पहली बार 4th साल हो गया है और यहाँ पर इन लोगों ने जनगणना नहीं किया, तो हम लोग तो गणना कर रहे हैं ना, जनगणना थोड़ी कर रहे हैं, गणना कर रहे हैं, और हम लोग खाली एक ही चीज़ नहीं ना कर रहे हैं, आप लोगों को बार बार ना बताए हैं कि हम लोग न सिर्फ लोगों के जाति के आधार पर किनकी कितनी संख्या है, किसी भी धर्म के हों, कोई भी जाति के हों, अपर कास्ट हों, पिछड़े वर्ग के हों, अति पिछड़े हों, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, हिंदू मुस्लिम कोई भी हों, लेकिन उसके साथ साथ सभी की आर्थिक स्थिति के बारे में करें, अपर कास्ट हो, बैकवर्ड हो, अति पिछड़ा हो, महादलित हो, दलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम कोई हो, तो उनकी आर्थिक स्थिति का भी हम लोग